देखो B12 काफी क्रूशियल है हमारे हेल्थ के लिए। वेजिटेरियंस के लिए सप्लीमेंटेशन कैन बी एन ऑप्शन। पहला है पुअर डाइट, और अगर B12 की डेफिशिएंसी हो तो फटीग, ब्रेथलेसनेस, अनीमिया और मेमोरी प्रॉब्लम्स के इश्यूज हो सकता है। क्या आपको पता है बहुत सारे लोग गलत तरीके से B12 सप्लीमेंट्स ले रहे हैं? अगर आप भी उनमें से एक है तो आपके हेल्थ को काफी नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि B12 क्या होता है, क्यों जरूरी है और कौन सा फॉर्म बेस्ट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं B12 होता क्या है। विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, मतलब ये पानी में डिजोल्व हो जाता है और बॉडी इजिली अब्सॉर्ब कर लेती है। और B12 को रेगुलरली कंज्यूम करना बहुत जरूरी है क्योंकि बॉडी इसे स्टोर नहीं कर पाती, और ये अगर एक्सेस हो गया तो इजिली फ्लश आउट भी हो जाता है बॉडी से। इसीलिए तुम्हारे बॉडी के नीड्स के हिसाब से हर दिन कंज्यूम करना होगा। देखो B12 काफी क्रूशियल है हमारे हेल्थ के लिए। ये हेल्दी नर्व सेल्स को मेंटेन करने में, DNA, RNA और RBCs को बनाने में हेल्प करता है। और अगर B12 की डेफिशिएंसी हो तो फटीग, ब्रेथलेसनेस, अनीमिया और मेमोरी प्रॉब्लम्स के इश्यूज हो सकता है। इसलिए B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को इग्नोर मत करो। अगर आपको फटीग, वीकनेस, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, टिंगलिंग एंड नमनेस इन हैंड्स एंड फीट एक्सपीरियंस होता है तो ये B12 डेफिशिएंसी के साइंस हो सकता है। सीवियर केसेस में अनीमिया भी हो सकता है। अब बात करते हैं B12 डेफिशिएंसी किस वजह से हो सकती है। पहला है पुअर डाइट। अगर आप मीट, डेयरी या फोर्टिफाइड फूड्स को नहीं कंज्यूम करते तो B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा है मैल एब्जॉर्प्शन इश्यूज। मैल एब्जॉर्प्शन इज अ हेल्थ कंडीशन जिसमें बॉडी ठीक से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तीसरा है एजिंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी B12 को एब्जॉर्ब करने में कम एफिशिएंट हो जाती है। चौथा है मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशंस का कंजम्पशन जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या मेटफॉर्मिन B12 अब्सॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। पांचवा है वेजिटेरियन डाइट। क्योंकि B12 प्राइमरली एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है इसलिए वेजिटेरियंस के लिए सप्लीमेंटेशन कैन बी एन ऑप्शन। अब समझते हैं B12 सप्लीमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। मोस्टली देयर आर टू मेन टाइप्स। फर्स्ट इज साइनोकोबालामीन। ये B12 का सिंथेटिक फॉर्म होता है और बॉडी इसे मिथाइल कोबालामीन में कन्वर्ट करती है। सेकेंड इज मिथाइल कोबालामीन। दिस इज द मोस्ट बायो एक्टिव एंड बायो अवेलेबल फॉर्म ऑफ B12। ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब और यूटिलाइज हो जाता है बॉडी में, इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव है डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए। मिथाइल कोबालामीन शुड बी प्रेफर्ड ओवर साइनोकोबालामीन फॉर रीजन सच एज फर्स्ट बेटर एब्जॉर्प्शन। मिथाइल कोबालामीन बॉडी में इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है। सेकंड इज डायरेक्ट यूटिलाइजेशन। ये पहले से ही एक्टिव फॉर्म में होता है तो बॉडी इसे डायरेक्टली यूज कर लेती है। थर्ड इज इम्प्रूव्ड एफिकेसी। ये B12 डेफिशिएंसी को इफेक्टिवली करेक्ट कर देता है। अब मिथाइल कोबालामीन तो चूज कर लिया, बट कितना लेना चाहिए फॉर इफेक्टिव रिजल्ट्स, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इफेक्टिव डोसेज। सो फॉर एड्रेसिंग डेफिशिएंसी अ डोसेज ऑफ अराउंड 500 mcg टू 1500 mcg इज रेकमेंडेड। दिस हेल्प्स टू एलिवेट सिम्टम्स लाइक फटीग, ब्रेथलेसनेस, अनीमिया एंड मेमोरी इश्यूज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंटेनेंस डोसेज। अगर आपको लेवल्स मेंटेन रखने हैं तो डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2.2 mcg अडल्ट्स के लिए काफी है। और ध्यान रखना ये अमाउंट्स करंट B12 लेवल्स को मेंटेन करेगा, डेफिशिएंसी को सही नहीं करेगा। सो इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग B12 डेफिशिएंसी सिम्टम्स तो राइट फॉर्म और डोसेज को चूज करना बहुत जरूरी है। मिथाइल कोबालामीन बेटर है साइनोकोबालामीन से क्योंकि ये बेटर एब्जॉर्ब होता है और डायरेक्टली यूजेबल है। हायर डोसेज जैसे 500 mcg से लेके 1500 mcg तक डेफिशिएंसी को क्विकली रिस्टोर कर सकता है। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स एंड चूज योर विटामिन B12 सप्लीमेंट्स वाइसली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल।